स्टार्ट करें। हेलो तो आज जो हमारा ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग आपको बताने जा रहे हैं एक्सेल के जो मेनू बार्स हैं उस मेनू बार की चीज़ें हम आपको बताएंगे। लास्ट क्लासेस में हमने एक्सेल की शॉर्टकट्स पे डिस्कशन की थी, हमने एक्सेल के ऑप्शंस में हमने सेटिंग्स चेंज की थी। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सेल की मेनू बार के बारे में। तो आज का टॉपिक हम रखते हैं वो रखते हैं पेस्ट स्पेशल। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पेस्ट स्पेशल, कॉपी पेस्ट करना, क्योंकि आप लोग कॉपी पेस्ट तो ज़्यादा करते हैं, ऑफिस में कॉपी पेस्ट नहीं करते ज़्यादातर। डेटा कॉपी करना, पेस्ट करना, ब्रेडबोर्ड उड़ाना, पेस्ट करना, फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला हटाना, कम से कम यार 1 घंटे में कम से कम 10 बार कॉपी पेस्ट जरूर करते होंगे आप। ठीक है, कॉपी पेस्ट, क्या कॉपी पेस्ट अगर ना रहे तो फिर फायदा क्या है करने का एक्सेल। तो हम आपको कॉपी पेस्ट के कुछ ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके ऑफिशियल लाइफ में काफ़ी हेल्प करेगा। तो हम एक छोटा डेटा बताएंगे ताकि आपको समझ में आए, बड़ा डेटा पे इफेक्ट जल्दी समझ में नहीं आएगा, इफेक्ट आपको देखना पड़ेगा। इसलिए हम एक छोटा सा डेटा बनाते हैं खुद से, और फिर हम उसको उस पर आपको बताएंगे किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। उसकी शक्ल क्यों देख रहा तू बाबा? ये तो कुछ नहीं है यार, चार 5 सालों से ज़्यादा छूट गया, वरना 4 साल पहले देखते स्पीड मेरी है। ये डायरेक्ट नहीं आता है, इसके लिए आपको एक्सेल ऑप्शन पे जाना होता है और एक्सेल ऑप्शन के कस्टमाइज पे जाना होता है, और यहाँ से कमांड इन नॉट इन रिवन या फिर ऑल कमांड, यहाँ पे आपको सी से दबाओ कैमरा आएगा, और कैमरा का लोगो भी लगा है इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉपी पेस्ट की। तो हम लोग कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, जस्ट कंट्रोल सी या कंट्रोल वी कर दिया, इसका मतलब क्या है, पूरी की पूरी कॉपी होके पेस्ट होना। चाहे आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दें या फिर आप पेस्ट स्पेशल ही यूज करते हैं तो ऑल पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, आपका कॉपी एंड पेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन पेस्ट स्पेशल हम कब यूज करते हैं, जब हमें जहाँ से हमने कॉपी किया है उसकी पूरी की पूरी जैसा डेटा है ना सेम उसी तरह से पेस्ट नहीं करना है, उसके किसी कुछ पार्ट को पेस्ट करना है। जैसे कि मुझे इसकी सिर्फ फॉर्मूले पेस्ट करने हैं तो सिर्फ फॉर्मूला आएगा, या मैं सिर्फ इसकी वैल्यू पेस्ट करनी है तो वैल्यू आएगा, या फिर और भी सारी चीज़ें। तो जब आप कॉपी जहाँ से कॉपी करते हो जहाँ पे पेस्ट करते हो, तो कॉपी से जो लोकेशंस है, लोकेशंस की जो कुछ चीज़ें छोड़ के आपको पेस्ट करनी है, उसके लिए हम पेस्ट स्पेशल यूज करते हैं। दो चीज आपके सामने, एक आपके पास है पेस्ट एज ए फॉर्मूला, एक आपके पेस्ट एज ए वैल्यू। अब वैसे पेस्ट फॉर्मूला और पेस्ट एज वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ऐसा नहीं कि पेस्ट एज ए फॉर्मूला का मतलब ये हुआ, ये नहीं हुआ कि जहां आपने फॉर्मूला जिसमें फॉर्मूला वही किसी को पेस्ट करेगा, नहीं। ये क्या करता है कि फॉर्मूला बार से लेके पेस्ट करता है, जो फॉर्मूला में दिखता है ना उसी को पेस्ट करता है। तो डिफरेंट कहाँ, इन में डिफरेंट कहाँ है, यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे जस्ट वैल्यू है। क्या है, जस्ट वैल्यू, यहाँ वैल्यू या फॉर्मूला। तो पेस्ट एज ए फॉर्मूला हम फॉर्मूला पिक करने, फॉर्मेटिंग हटा के सिर्फ फॉर्मूला डालने के लिए करते हैं, ठीक है, या पेस्ट एज वैल्यू क्या करते हैं, फॉर्मूला रिमूव करके पेस्ट करने के लिए होते हैं, या कभी कभी क्या होता है जैसे इसमें क्या रैंड मीटिंग का फॉर्मूला लगा हुआ है, रैंड में क्या करता है रैंडम नंबर देता है, 2 नंबर के बीच का रैंडम नंबर, जैसे कोई डमी डेटा बनाना हो या फिर कोई फेक डेटा बनाना हो या 2 नंबर यूज करना है, क्योंकि हर बार ये अपने आप को चेंज कर देता है। हाँ, ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसके फॉर्मूले को रिमूव करना है, कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में फॉर्मूला लगा है ना, हमें उसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट नहीं करना है, उसी लोकेशन की फॉर्मूले को रिमूव करना है। तो उसके लिए आप उसको कॉपी कीजिए, उसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल कीजिए, और यहाँ पे कीजिए पेस्ट एज वैल्यू सेम उसी के ऊपर, तो आपका फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो पेस्ट एज वैल्यू का यूज इसलिए करते हैं।
अब चलिए इसमें और आगे चलते हैं कि अगर मैं इसको सिर्फ फॉर्मेटिंग पेज करना चाहूँ तो सिर्फ मेरी फॉर्मेट पेज होगा और कुछ नहीं आएगा। कमेंट्स, कमेंट्स क्या होता है कि इससे रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो आप यहाँ टाइप करते हो। अगर सिर्फ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही पेस्ट करनी है, बाकी चीज़ें पेस्ट नहीं करनी है, तो पेस्ट सेक्शन में आप कमेंट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको सब चीज़ पेस्ट करना है, सिर्फ बॉर्डर पेस्ट नहीं करना है, तो पेस्ट स्पेशल में ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर कर दीजिए। अब एक चीज़ और होती है, इसके लिए मैं किसी और शीट पर जाता हूँ। जब आप कॉपी करते हो, मतलब आप लोग क्या करते हो, एक रिपोर्ट बनाते हो, उसकी अपने हिसाब से उसकी सेटिंग वेटिंग करते हो, एडजस्टमेंट करते हो ना, ताकि एक पेज पर उसकी प्रिंट आउट है, उसकी कॉलम छोटा बड़ा करते हो। अगर आप कॉपी करके किसी और सीट पे उसको पेस्ट करते हो तो आपका कॉलम विड्थ पेस्ट नहीं होता है, कॉलम की साइज आपकी पेस्ट नहीं होती है। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी या कंट्रोल वैल्यू वैल्यू कुछ भी करते हो तो आप चाहते हो कि नहीं, अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तो हमने इसकी सेटिंग वेटिंग करके ताकि एक पेज में प्रिंट हो गई, लेकिन सेकेंड पेज पर मैंने कॉपी पेस्ट किया तो वहाँ पर दिक्कत आ गई। तो आप क्या करो, पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे कॉलम विड्थ सेलेक्ट करो एंड ओके करो, सिर्फ आपकी कॉलम की विड्थ ही पेस्ट होगी और कुछ पेस्ट नहीं होगा। क्या होगी, कॉलम की विड्थ। याद रखिएगा कि पेस्ट स्पेशल सिर्फ कॉलम की विड्थ को पेस्ट करता है और किसी चीज़ को पेस्ट नहीं करता है। डेटा पेस्ट करने के लिए दोबारा इसी के ऊपर नॉर्मल पेस्ट कर लीजिए, क्लियर है। तो आप लोग जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपके डेटा, आपके इसमें डेटा में डेट्स होते होंगे या टाइम होते होंगे या फिर डॉलर्स ऑर्डर लगे होते होंगे। तो क्या होता है, जब पेस्ट एज ए वैल्यू करते हो तो क्या प्रॉब्लम होती है, आपने इसको कॉपी करके इसको चाहते हो फॉर्मेटिंग वगैरह फॉर्मूला वगैरह है तो पेस्ट एज ए वैल्यू कर देते हो, नंबर्स आता है चेंज, तो इसको आप जाके ऊपर से डेट फॉर्मेट में ला के अपना चेंज करते हो। कभी गौर किया आपने कि ऐसा होता क्यों, ये नंबर क्यों होता है, और होता क्यों है उसको हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हमें जाना है कि नंबर है क्या, आखिर 41640 क्या है, कोई कोड है। अगर कोड है तो क्यों है, एक्सेल में ऐसा क्यों हुआ, जस्ट डेट की तरह क्यों नहीं आया। देखिए इसको समझना जरूरी है, क्योंकि तो इस पर इसको समझिए तभी जाकर आप डेट्स की कैलकुलेशन को समझ पाएंगे, ठीक है। तो एक्सेल में क्या होता है कि जब भी हम कोई डेट लिखते हैं ना तो डेट नहीं होता है, वो नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट होता है। आपने 1 जनवरी 2014 लिखा है ना यहाँ पे, तो एक्सेल ने इसको कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे 41640 डेज पे। कहाँ, कब से कैलकुलेट करता है कि जब से सिस्टम का कैलेंडर बना है तब से, और जो डेट डल रही है तब तक कि कितने नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। इसको प्रूफ कैसे करोगे, अब इसको प्रूफ करने के लिए आपने वन लिखा, वन लिखा, अब इसके ऊपर हम डेट का फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट हैश से अप्लाई कर दिया, शिफ्ट हैश। तो यहां पे क्या आया, फर्स्ट फर्स्ट 1900। इससे साबित होता है कि कंप्यूटर के अंदर कब से स्टार्ट है, 1900 से। अब बोलेगे सर ऐसा तो हो सकता है कुछ भी आ जाए, तो अब एक काम करो 32 लिखो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 31 जनवरी 2019 आ रहा है। हमने यहाँ पे 31 लिखा था, माफ कीजिए 32 नहीं लिखा था, 33 लिखते तो क्या आता है, सेकेंड 5 1900 आया, 367 1st Jan 1901। ऐसे ही 41640 लिखा तो क्या हुआ, 1st Jan 2019। तो समझ में आ गया कि 41640 है क्या, एक कंप्यूटर कैलेंडर जब से बना है तब से, और जो डेट डाल रहा हूं तब तक की नंबर ऑफ डेज है। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सेल ने ऐसा क्यों किया, एक्सेल प्रोग्रामर ने इस तरह का लेंथी प्रोसीजर क्यों फॉलो किया, इसने इसके लिए कन्वर्टर लगाया हुआ, 31 30 38 265 266 लीप ईयर सब मेंटेन किया होगा ना इसने, तो इसके लिए कैलकुलेशंस के लिए। अब एक्सेल कहता है कि अगर किसी भी टेक्स्ट के साथ अगर आपने नंबर जोड़ दिया, या भी किसी भी नंबर के साथ आपने टेक्स्ट जोड़ दिया, तो इसके बीच में हम किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहां पे 1 जनवरी 2014 लिखते तो क्या है, इसमें डैश जैन लगा है तो भी तो एक टेक्स्ट है, तो इस पे कैलकुलेशन कैसे हुआ। ऐसा होता है क्या है कि ये सिर्फ आपको विजिबिलिटी है 1st Jan 2014, लेकिन एक्सेल अपने पास ओरिजिनली क्या रख रहा है,
14640, जो कैलकुलेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 16460 पे जोड़ के 14650 करके दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें डेट क्यों दिखता है, क्योंकि डेट का फॉर्मेट अप्लाई होता है। तो डेट क्या करता है कि 31 को, फिर 31 को कन्वर्ट करते हैं, फिर 30, 31 कन्वर्ट करते हैं, फिर 365 साल मंथ, पहले डेज मंथ ईयर को कैलकुलेट करते करते दिखा देता है क्या है। पहले इसमें से 30 निकालता है, 30 से भरा हुआ, जैसे होता है 60 से भरा हुआ मिनट हो जाएगा, 60 सेकंड से ऊपर हुआ मिनट हो जाएगा, है 60 मिनट से ऊपर हुआ तो आवर चला जाएगा, आवर 24 आवर से ऊपर हुआ डे चला जाएगा, 30 31 29 दिन से ज़्यादा हुआ तो मंथ हो जाएगा, 12 से मंथ ऊपर हुआ तो साल हो जाएगा। ऐसी कैलकुलेशन डली हुई है डेट की फॉर्मेट की, ठीक है। तो जब हम कॉपी करके आज वैल्यू पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू पेस्ट का काम क्या है कि किसी भी फॉर्मेटिंग को डिसेबल कर देना। तो डेट भी एक फॉर्मेटिंग है ना, इसलिए यहाँ पे डिसेबल करके डाल देता है। नहीं, बेसिकली जो नंबर्स दिखता है ना आपका, तो वो होता है आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में। ये क्या है आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में। जो आप कहीं से डेटा कॉपी एंड पेस्ट करते हो ना, तो डेटाबेस, आप लोगों ने डेटाबेस की नॉलेज है, आपने पढ़ा है कभी डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बाइनरी, ये पढ़ा होगा ना, इसमें जो प्राइमरी की, एब्सोल्यूट की, यूनिक की, तो डेटाबेस डिफाइन करते हो, डेटाबेस की प्रॉपर्टी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे कि डी एम डी कैट डी टेक्स्ट। तो जो डेटाबेस आपका डिफाइन हुआ हुआ है उसमें जो डेट का कॉलन है वो डेट का कॉलन एज ए टेक्स्ट में है, जिसमें कैट 10 में होगा या फिर कैट 15 में होगा। इसलिए वहाँ पे विजुअल आपको जहाँ से डेटा आता है वहाँ डेट ही होता है, लेकिन जैसे एक्सेल में डाउनलोड होता है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एक्सेल में डाउनलोड होता है विदाउट एनी फॉर्मेट, तो वहाँ से डेट की फॉर्मेट हट जाती है, यहाँ पर क्या हो जाता है एज ए टेक्स्ट। जब आप डबल क्लिक मारते हो तो क्या करता है कि जैसे ही डबल क्लिक मारते ही वो ए चलता है, उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है, समझ गए, नंबर में कन्वर्ट चलता है। इसलिए आपका नंबर होते ही डेट का फॉर्मेट डाला हुआ है, डेट में समझ हो जाता है। अगर आपको ऐसा दिक्कत हो रहा है तो उसका सिंपल सा मेथड क्या है, एक तो यह है कि आप यहाँ पे वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, टेक्स्ट होगा तो इस तरह का भी लगा हुआ आता है ना कॉर्नर में, वैल्यू फॉर्मूला अपना लो। या फिर दूसरा तरीका है आपका, वो तरीका यहाँ पे आता है डेटा के टेक्स्ट टू कॉलन एंड फील्ड, समझे, टेक्स्ट टू कॉलन एंड कुछ नहीं करना फील्ड। अब ये नंबर आ गया ना, ये नंबर आ गया ना, अब इस पर डेट का फॉर्मूला अप्लाई करो, डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ देखो, पहले क्या था, डेट में कन्वर्ट इसलिए नहीं हो रहा था, इस पर डेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, देखो नहीं हो रहा ना, क्यों नहीं हो रहा कि इसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए नंबर चाहिए, 41 एज ए नंबर में चाहिए, लेकिन एक्सेल इसको क्या समझ रहा है एज ए टेक्स्ट समझ रहा है, ए बी सी डी। तो नंबर फॉर्मेटिंग को हिदायत दी गई है कि जैसे टेक्स्ट मिले तुम फॉर्मेटिंग मत चलाओ। जब ए, जब हम इसको वैल्यू फॉर्मूला लगा लें या फिर टेक्स्ट टू कॉलन करें, तो ए क्या करता है कि आपके उस फॉर्मेट को, उस नंबर को डेट टेक्स्ट उठा के नंबर में डाल देता है, फिर डेट का फॉर्मेट चलाते हो तो नंबर मिलता है, फॉर्मेट चल जाता है। हाँ तो उसके डबल के लिए मारने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट होगा, डेट चेंज तो कर दो, आप पहले फॉर्मेट में जाके डेट चेंज कर लो, फिर आप उसके बाद टेक्स्ट कॉलम कर लो, ठीक है। ये मतलब मेरे पास बहुत आता है, ऐसा ही काम तो आता है, इस तरह काम आते हैं पैसे कमाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जब यहाँ पे हमें जब कैसे क्या करना चाहिए ताकि डेट ही आए,
हम कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करें तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि नंबर की फॉर्मेटिंग होती है, डॉलर फॉर्मेटिंग होती है, टाइम का होता है, परसेंटेज का होता है, सारा हट जाता है आपका। तो अगर आपको कॉपी पेस्ट करते हो और डेट को डेट ही रखना चाहते हो तो उस केस के लिए, या फिर कोई भी नंबर फॉर्मेटिंग रखना चाहते हो, तो दो चीज़ें आप इस फॉर्मूला एंड वैल्यू के जगह पे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट या फिर वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट यूज कीजिए। तो बाकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी बट नंबर की फॉर्मेटिंग आएगी। नंबर फॉर्मेटिंग इन सेंस ये जो फॉर्मेट में जो नंबर की फॉर्मेटिंग होता है ना, ए फॉर्मेट सारा उठ जाएगा। इस जो जी वहाँ पे डला हुआ है वो आएगा, जैसे परसेंटेज डला हुआ है, अकाउंटिंग डला हुआ है, डेसिमल्स डला हुआ है, टाइम डला हुआ है, सारा हुआ जाएगा। जो भी होगा वो उसको चेंज नहीं करेगा, पर नंबर कैटेगरी के फॉर्मेट को चेंज नहीं करेगा। बारी जैसे बॉर्डर कलर वलर सबको चेंज करेगा, उसको वो रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, रिमूव कर देगा। तो समझ में आ गया, आप डेट का फंडा समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट? अब चलिए कुछ नए करते हैं। तो चलो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होता है। अब कुछ ऐसे काम करते हैं जिसको पता ना होता जल्दी हो। अभी हमने 20 लिखा, यहाँ पे मैं 30 लिखता हूँ। अगर 30 को कॉपी करके इससे पेस्ट करूँगा तो क्या होगा, 20 रिप्लेस बाई 30, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मेथड है, सॉरी माफ कीजिएगा, हमारे पास पेस्ट स्पेशल के अंदर में एक ऐसा ऑप्शन है जिसके ज़रिए हम इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ऐड पे क्लिक करें, ऑपरेशंस में नन से ऐड कर दिया, तो क्या होगा कि अब यहाँ रिप्लेस नहीं होगा, जहाँ से कॉपी हो रही है उसकी वैल्यू और जहाँ से पेस्ट हो उसकी वैल्यू के बीच में सबमिशन हो जाएगा 50, ठीक है। अब बोलो इसका यूज कहाँ करोगे? अब चलिए इसका यूज हम आपको बता दें। आप लोग परसेंटेज लिख टाइप करते हो, कैसे करते हो? अपने 50 और परसेंटेज का सिंबल देते हो। अगर मान लो आपने 50 लिख लिया है और फिर परसेंटेज का सिंबल देने पे क्या होगा? जब भी परसेंटेज पे क्लिक करोगे मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, जब भी इसको हटाओगे तो डिवाइड बाय 100 हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने टाइप किया हुआ है 0.50 टाइप किया हुआ है, अब परसेंटेज सिंबल आ लोगे तो 50% आएगा। 50 लिख के नहीं कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या हुआ आपके, तो प्रॉब्लम ये हुआ है किसी ने डेटा आपको भेज दिया परसेंटेज का सैंपल का हेडिंग डाल के और डेटा इज द नंबर, डेटा क्या है आपका नंबर है। अब इसको परसेंटेज में करना है, तो अगर परसेंटेज सैंपल लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा मेथड नहीं अपनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे आप F2 और डबल क्लिक और समझे, तो मैं क्या करूँगा, प्रॉब्लम है कि अगर ये 0.13 होता तो परसेंटेज सिंबल अपने आप लग जाता, मतलब कि अगर 100 से डिवाइड होता तो मैं 100 एक जगह सेल पे लिखूँगा, उसको कॉपी करूँगा और पूरे सेल को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल एंड डिवाइड हम कर देंगे। ऐड किया था तो सम हो गया था, डिवाइड करना डिवाइड हो जाएगा सबका, तो हर कोई 100 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और फिर परसेंटेज का सिंबल पे क्लिक करेंगे, आगे 13% ले रहे, हाँ। अगर प्रॉब्लम आया कि सर आपको ये आया, आप बोलते नहीं यार मुझे 13 लिखा हुआ चाहिए, 13% नहीं चाहिए, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले परसेंटेज का सिंबल हटा दोगे, फिर 100 कहीं टाइप करोगे, अब इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल मल्टीप्लाई एंड ओके, क्लियर है। अगर एक अनोदर एग्जांपल देखो तो इसका मैं अनोदर एग्जांपल भी दे सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास सेल्स रिकॉर्ड्स है या कोई भी और भी ऑफिस ऑफिस की कोई पैरामीटर्स है, ठीक है, और इसके और भी हेडिंग वेडिंग सब चीज़ है यहाँ पे, मान लीजिए और भी डेटा है, लेकिन मैंने इतना ही डाला, जितना काम है डेटा उतना ही रखता हूँ मैं, आपके में बहुत डेटा बेस हो सकता है और वो फार्मूले के साथ भी है, क्या है, और सब में अलग अलग फार्मूले हैं, एक फार्मूला नहीं। अब मुझे क्या करना है, आपने किसी को मेल किया, उसने बोला कि भैया मुझे 46-74 क्वांटिटी से मतलब नहीं है, इनका टारगेट जो था वो टारगेट था 70,
अब बताओ कि इसने टारगेट से कितना परसेंट अचीव किया है, मुझे इसमें परसेंटेज चाहिए ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं या फिल्टर कर सकूं इस पर्टिकुलर परसेंटेज में। तो अब क्या करना है कि हर नंबर को 70 से डिवाइड करना है। बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो फिगर आ रही है वो फिगर मैनुअल लिखा हुआ नहीं है, किसी फॉर्मूले की थी, और सारे फॉर्मूले डिफरेंट डिफरेंट है। एक फॉर्मूला होगा तो हम क्या करेंगे, यहीं पर डिवाइड बाय सेवेंटी और ड्रैग मार देंगे नीचे तक। बट प्रॉब्लम क्या है कि एक एक फॉर्मूला नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है, या फिर कुछ भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और इसी मेथड को बनाइए, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे कर दीजिए डिवाइड। लेकिन यहाँ पे वैल्यू मत कीजिएगा, वैल्यू कीजिएगा तो फिर वो डिवाइड करके वैल्यू डाल देगा। ऑल कीजिए, ठीक है, अन ओके। आप देखिए कि इसके अंदर में ब्रैकेट के अंदर जाके 70 डालना है और सब कुछ में एक कर दिया, आ गया। या फिर अगर दूसरी एग्जांपल देखो, इसको मैं कॉपी करके इसको वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्मूला नहीं नंबर ये मान लीजिए, और मैं इसको एक करता हूँ। अभी क्या है कि सबके लिए टारगेट एक ही था ना, अब सबके लिए टारगेट अलग अलग है कि ए हमारा सेल्स है, सेल्स है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट नंबर से डिवाइड करना है, कि इसको 28 से करना है, इसको 12 से करना है, वगैरह वगैरह। कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी आप इसको कॉपी कीजिए, एक बार सिक्वेंस मैच कर लीजिए, सर सिक्वेंस मैच है कि नहीं है, फिर इस पर कर्सर रखिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इस पर कर दीजिए आप डिवाइड। तो इंडिविजुअली एक एक करके उसने डिवाइड किया। ठीक है, हाँ, तो डाउट। अब चलिए एक और नई एग्जांपल देते हैं पेस्ट स्पेशल की। अब आपके पास जो तो डेटा आता है, ठीक है, मान लीजिए कि सेल्स की फिगर या किसी भी पैरामीटर्स की फिगर आया हुआ है। अब इसको आप इस पर कुछ आगे काम करने से पहले किसी टीम को बोला कि भैया इसको क्रॉस चेक कर ले, ये सही है या कोई चेंजिंग भी है। तो किसी टीम ने क्या किया, इसने इनके एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे डाल दिए, बोला कि ये 67 ही 70 है, ये 30 नहीं 25 है, 11 नहीं 15 है, ये 40 है। कुछ जो गलतियाँ थी वो गलतियाँ इसके सामने डाल दी, ठीक है। अब इसको आपको अपडेट करना है, तो अभी आपके पास अगर इस तरह काम आया अपडेट करने के लिए तो कैसे करोगे, क्या तरीका अपनाओगे। मुझे इसमें सिर्फ 60 को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देने, 70 को उठा कर पेस्ट कर देने, 25 को उठा कर पेस्ट कर देने, ब्लैंक जैसा सेम है, ब्लैंक राइट है, ब्लैंक जो है वो सही है। अगर मैं पूरा कॉपी पेस्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, क्यों ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे रिप्लेस करना है, प्लस माइनस गुणा भाग तो नहीं करना है ना। क्या कीजिएगा बताइए, मान लो कल ही आपके बॉस ने आपको दे दिया काम है कॉपी पेस्ट, मान लो कि 1 लाख से ऊपर डेटा है और उसमें तकरीबन 30,000 कलेक्शन है, तो फिल्टर का कलेक्शन करते हैं तो बैक के डेटा भी चेंज होने के चांसेस होते हैं। फिल्टर में काम तो कर लोगे लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि वो सही हो जाएगा, हो सकता है उसके अंदर भी पीछे की कॉपी पेस्ट मारा, पीछे की चीज़ भी चले गई। हाँ, फिल्टर लगा के नहीं कर सकते तुम, तो फिल्टर में वन टू मोर मोर नहीं होता, वन टू मोर होता है, मोर टू मोर नहीं होता है। एक के उठा के सब पे पेस्ट मार सकते हो, सबको उठा के सब पे पेस्ट नहीं मार सकते, उसमें लिंक विंक लगाना पड़ेगा। एक सिंपल तरीका है, हाँ सिंपल तरीका है, पेस्ट स्पेशल में राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, हमारे पास एक ऑप्शन है स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक क्या करता है कि उस सेल्स को कॉपी से बाहर कर देता है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, ब्लैंक, तो उसी सेल को पेस्ट करता है, मतलब कि ब्लैंक से हमारे बाकी ओवरराइट नहीं होंगे, ठीक है ना। ओवरराइट कौन सा होगा जो कि वैल्यू डली हुई है, ठीक है, यात्रा वगैरह और बाकी जो जितने ट्रेवल कंपनी है इसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, फेयर चेंजिंग में, जैसे कि अब ओरिजिन टू डेस्टिनेशन में वेबसाइट के फेयर सबके तो चेंज नहीं होते ना, कुछ के चेंज होते हैं, जिसके चेंज होते हैं उसको एलोपेज रिस्पेक्ट करना है।
तो सर्वर निकाल कर देता है चेंजेस, इधर चेंज उसके डिफरेंस भी, तो वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। ओके तो ये समझ में आ गया आपको। अब ट्रांसपोज की बात करें, ट्रांसपोज आता है मेरे हिसाब से, आता ही होगा सबको, आता है नहीं तो आपको नहीं आता है? रिकॉर्डिंग नहीं देखी ना आपने मेरी, इसलिए नहीं आता है। चलो मैं बता देता हूँ, तो आप एक एक घंटे करके देख लो ना। बात यह है कि एक वीडियो को हैंडल कर सकते हैं, पांच वीडियो को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, कोई मिस हो गया, करप्ट हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट पे, सॉरी पेस्ट करते हैं, नॉर्मल पेस्ट होता है, पेस्ट स्पेशल में अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल ट्रांसपोज होता है, नाम से पता चलता है, ठीक है? अब बारी आती है सेल लिंक की। आप वो सेल लिंक करना जानते हो, सेल की लिंक करना, जैसे कि जैसा ये सेल है, मैं चाहता हूँ सेम अलग शीट पे या फिर किसी अलग फाइल पे या सेम शीट पे ही तो जो यहाँ लिखा हुआ वो यहाँ भी दिखे, जैसे ये चेंज हो या अपने आप चेंज हो जाए, कैसे करते हो? इक्वल कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और एंटर हो जाता है, फिर इसको ड्रैग कर देते हैं, आप कर देते हैं ना, ये तो पूरा था। लेकिन मान लीजिए कि मुझे इसमें से कुछ ही कोई ही लिंक करना है, तो कैसा करोगे? फिर यहाँ पे ड्रैग मारोगे, फिर डिलीट डिलीट करोगे, करोगे ना? तो एक आपके पास पेस्ट स्टेशन में ही एक चीज़ें हैं, आप कंट्रोल दबा के उसको सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया, फिर जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक, क्या होगा? लिंक क्रिएट होगा। और सेम सीट पे अनदर फाइल पे अनदर शीट पे इसे यूज कर सकते हो, क्लियर है? अब जैसे कैमरा वाली बात कर रहे थे ना, तो अगर आपको इसी चीज को जस्ट कॉपी करना है एज ए पिक्चर, पेस्ट पिक्चर पे करना है, तो क्या कीजिए? पेस्ट स्पेशल में नीचे आइएगा, पेस्ट एज ए पिक्चर, यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर, इसकी एक पिक्चर बनकर आ जाएगा, ठीक है? तो यूज कर सकते, लेकिन ये दोनों आपस में लिंक नहीं है। तो इसका यूज क्यों करते हैं? जब हमें किसी डैशबोर्ड वगैरह पे कोई बड़ी चीज को एक छोटे से एरिया में दिखाना होता है, तो अगर मैं कॉलम पूरा छोटा करूं तो नीचे पूरा छोटा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बड़ी वैल्यू लिखा हो तो उसके लिए इसका यूज करते कि या फिर एक छोटे चीज को बड़ी चीज में दिखाना है, पिक्चर। देखिए दोनों में आप अगर ये तो एक ही बार करना है तो चलेगा, लेकिन आपके बार बार चेंज करना होता है तो दिक्कत हो जाएगी, बार बार कॉपी पेस्ट फिर सेटिंग चेंज करना होगा। तो उस केस में आप पेस्ट एज ए पिक्चर नहीं, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कीजिए। लिंक में क्या होता है कि आप हैंडल तो उसको पिक्चर के जरिए ही कर सकते हो, पिक्चर की तरह से हैंडल करो, बिहेव तो पिक्चर की तरह ही करेगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालूंगा ये यहाँ भी चेंज हो जाएगा। या फिर मान लो कि यहाँ पे एक और नया आ गया आपके पास, मान लीजिए जून ऐड हो गया, तो इसमें जून कैसे ऐड करोगे? सिंपल है, ये यहाँ तक 5 से 11 तक है, यहाँ 5 से 10 है, अब यहाँ से 10 को 11 कर दो, एंटर मारो, आ गया जून। तो इसको अपडेट करना ये बड़ी ईजी है। अगर हम कोई इसके अंदर कोई चेंजिंग करते हैं, चाहे कलर चाहे वैल्यू, तो ये अपने आप अपडेट हो जाता है। अगर हमें फार्मूला इंक्रीज डिक्रीज होता है तो भी कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप फार्मूला यहाँ ऊपर से चेंज कर सकते हो, अपने आप चेंज हो जाएगा। तो डैशबोर्ड का यूज कर सकते हो आप, क्या डाउट नहीं है? होनी भी नहीं चाहिए। हाँ पीपीटी में करना चाहते हो तो पीपीटी में एज लिंक जाएगा, वहाँ भी कर सकते हो एज लिंक। पावर तो वहाँ पे आपको पेस्ट नहीं करना है, क्या करना है? पेस्ट स्पेशल, पीपीटी के अंदर अपना लिंक होता है, पेस्ट एज लिंक एंड ओके आ गया। मेल पे भी कर सकते हो, हाँ जैसे आपने यहाँ, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दिया ना,
यहाँ भी चेंज हो गया। अगर चेंज नहीं होता है राइट क्लिक करके जस्ट रिफ्रेश अपडेट लिंक। मेल के ऊपर हो जाएगा तो उसमें जिसके पास मेल जाएगा उसके पास क्यों होगा, उसके पास नहीं होगा, आपके पास ही नहीं जाएगा। तो मेल में अगर मैंने सेंड कर दिया, आपने मेल से होता है क्या कि आपने मेल सेंड कर दिया, ड्राफ्ट में रख लो उसी को, या टैंपलेट बना दो उसका, सेव हो जाए टैंपलेट। हाँ तो एक आप पहले टैंपलेट बना लो, उसको सेव एज टैंपलेट कर लो, उसमें लिंक कर दो बस। दिखाता हूँ मैं, एक एक करके दिखाता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि हो जाए, लेकिन टैंपलेट में तो हो जाएगा। देखो यहाँ आपने न्यू पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे एक अपना ईमेल आईडी लिखता हूँ, kumar@ipt.india.com, ठीक है। टेस्ट, और मैंने इसको पेस्ट स्पेशल एक कहाँ गया बुक टू, तो कॉपी कर लें कॉपी, और फिर इसमें आते हैं पेस्ट एज ए लिंक, पेस्ट स्पेशल एज ए पिक्चर लिंक। पिक्चर लिंक में एचटीएमएल फॉर्म में एक्सेल वर्कशीट कोडेड ऑब्जेक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको किया, ये हो गया, मैंने इसको मेल कर दिया, मेल चला गया। अब मैं सेंड आइटम में आता हूँ, जहाँ मैं सेंड आइटम है, अब इसको मैं किसी को फॉरवर्ड रिप्लाई या फॉरवर्ड करता हूँ, या रिप्लाई ही फॉरवर्ड करता हूँ। हाँ फॉरवर्ड करते हैं, देखिए फॉरवर्ड कर दिया ना, अब मैं अपना रिसीव होगा तो ऐसे ही होगा। हाँ लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, तो इसका कलर रेड नहीं हुआ। अब इसको सेलेक्ट करके आप डेट लिंक कर दिए, वहाँ दिखा लीजिए ना, अगर अब ये हो गया ना, हाँ अब ये हो गया, अगर मैं इनको मान लीजिए किसी ने रिसीव किया है इसको, तो रिसीव में कोई दिक्कत, रिसीव में चेंज नहीं कर सकते तुम। हाँ ये हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है 8.17 की बात को 13 में पता नहीं क्या है कि नहीं है, ऐसा नहीं प्रॉब्लम है, तो आप एक काम और कर सकते हो कि आप इसको मेल अब पेस्ट यहाँ पे कॉपी, इसमें पेस्ट कर लो कॉपी पेस्ट स्पेशल में आए, पेस्ट एज ए स्पेशल पिक्चर लिंक एक्सेल कर दिया। अब इस फाइल को सेव एज आप कर लो HTML नहीं टैबलेट, आउटलुक टैबलेट, कहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, डेस्कटॉप पे। क्योंकि मैं डेस्कटॉप पे मैं नहीं करता, मैं डेस्कटॉप पे काम नहीं करता, या फिर सब्जेक्ट सब्जेक्ट डाल के टू सब डाल के कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि अगर आपको मेल करना है तो आप आउटलुक नहीं खोलोगे, क्या खोलोगे अपने उस पर्टिकुलर टेम्पलेट्स को, और इसको जस्ट अपडेट अपडेट हो जाएगा। तो आपके जो डेली जाने वाले मेल्स हैं ना, उसके टेम्पलेट बना लो, हर बार जो मेल आई डालने पड़ती है, साफ क्लीन विलीन करने पड़ते हैं, उस तरह से बच जाओगे, ठीक है भाई। दूसरा चीज़ है कि कितने मेल करने हैं, जैसे आप कोई रिपोर्ट, आपको 10 रिपोर्ट डेली भेजते हो, तो 10 मेल तो डेली करते हो ना, उसे हर दिन क्या चेंज होता है आपका, सिर्फ अटैचमेंट चेंज होता है ना, नहीं अटैचमेंट फाइल अटैचमेंट चेंज होती है ना, बाकी तो प्लीज फाइल द अटैच फाइल वगैरह 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 वगैरह। जो रूटीन, जो रूटीन से डेली बेसिस पे जाने वाले रिपोर्ट है उसकी बात कर रहा हूँ, जो जो एक मिसमें ड्राफ्ट नहीं टेम्पलेट, ड्राफ्ट में कर दोगे तो दिक्कत क्या होता है कि आपने भेज दिया तो ड्राफ्ट हट जाएगा। हाँ तो टेम्पलेट में क्या होगा कि जो मेल आईडीज है वो सारे आप रहेंगे चेंज, सेम जैसे रहेगा, जो आपका जो बार बार आपको फॉरवर्ड रिप्लाई हटाना पड़ता है इससे किससे सब्जेक्ट से, वो हटाने की जरूरत नहीं है। वो तो मैक्रो तो है, लेकिन मैक्रो तो बात की चीज़ है, और बिना मैक्रो का काम चल रहा है तो मैक्रो क्यों होना टेंशन है। वो तो ऐसे भी दिखाता है, वो जैसे भी आपका आउटलुक ही दिखाता है, तो आउटलुक एक्सप्रेस नहीं दिखा रहा। ओके अब नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है इनके लिए,
ये बोलते हैं कॉपी पेस्ट का काम ज़्यादा करते हैं, और आपको हम कुछ कॉपी पेस्ट का काम बता रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने गूगल पे कुछ सर्च किया, गूगल पे क्लिक किया और कुछ सर्च करता हूँ मैं, जैसे कि मैंने अपना नंबर ही सर्च कर लिया, किसी के बारे में जानना हो उसका नंबर सर्च कर लो मिल जाएगा, अगर कोई देखो आ गया ना मेरा, ठीक है। अब मैं इसको सारे को लिंक कॉपी करना है, तो आप क्या लिंक कॉपी करके एक एक्सेल में डेटाबेस बनाना है, साइट के लिए कॉपी लिंक लोकेशन एक्सेल फाइल में गए और पेस्ट, फिर वापस आए फिर सेकेंड, ऐसे करते हो ना पेस्ट, या मान लो मैं डिलीट कर दिया फिर कॉपी करना पड़ेगा, फिर सर्च करना पड़ेगा पेज, मान लो कि इसको ये कर दिया बंद कर दिया मैंने, बाबा अल्टर अल्टर करना पड़ रहा है। एक आपके पास क्लिप बोर्ड होता है, क्या होता है क्लिप बोर्ड, इसको ऑन कर लो, ठीक है ना। ऑन करने के बाद जो भी आप कॉपी करोगे, चाहे एक्सेल से करो वर्ड से करो कैसे भी करो, यहाँ पर आपके ऐड होते जाएगा। जैसे मैंने इसको किया कॉपी लिंक लोकेशन, ऐड हो गया, देखिए आपको ऐड हो गया, तो आपको बार बार पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप कॉपी करते चले जाओ। और यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस होती है, 24 एक बार में कर सकते हो कॉपी, तो जितना हो जाएगा या दिखाता रहेगा आपको, तो एक बार 24 बार जो अल टाइप करने का झंझट है वो तो बच जाओगे ना आपका। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, तो अगर किसी इंडिविजुअल को पेस्ट करना है तो इंडिविजुअल क्लिक करके हम पेस्ट कर सकते हैं, कर्सर रखेंगे वहां पे पेस्ट होगा, अगर ओवरऑल पेस्ट करना है तो पेस्ट ऑल, फिर क्लियर ऑल करो, फिर नया भी स्टार्ट करो। तो मान लो आपको डेटा कलेक्ट करना है, आपको क्या है कि 25-30 शीट्स है आपके पूरे महीने का, अलग डिफरेंट डिफरेंट शीट्स आया, उसके डेटा कॉपी करके पेस्ट कॉपी करके पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे करना है, समझ रहे हो ना। तो क्या करोगे आप, और इसमें एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ आपको, करके दिखा देता हूँ, जैसे मान लो ना इसी को ले लेता हूँ, कॉपी किए और मैं एक नया फाइल लेता हूँ, 5-6 रख लेता हूँ, ठीक है, इसमें आप पूरा सेलेक्ट करता हूँ और पेस्ट पूरे आ गया। अब मुझे सातों सीट पे जो है ना पूरे डेटा कॉपी पेस्ट है, कॉपी हो चुका है, अब मुझे सातों डेटा के कॉपी एक के नीचे एक यहाँ पे आठ में पेस्ट करना है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, तो आप कैसे करते हो, पहले सीट वन पे जाओगे, अक्रॉस वर्कशीट आप सेलेक्ट शिफ्ट के साथ, मैंने सातों सेलेक्ट कर लिया, आप पेस्ट मार दिया, वही तो किया था मैंने, कहाँ सेलेक्ट, ऐसे यहाँ राइट क्लिक करके, क्यों हम यहाँ से दूसरा तरीका है ना मेरे पास, एक फर्स्ट पे क्लिक किया और शिफ्ट दबा के लास्ट में क्लिक कर दिया, कंट्रोल होता है वन बाई वन के लिए। हाँ, उसके बाद क्या करोगे आप इसको, मैं क्या करूँगा कि अब मैं क्लिप बोर्ड को ऑन करूँगा, कर दिया, इसको एक बार डिसेबल कर, इसको क्लियर कर देता हूँ, और फिर हम हर सीट पे जाके हर डेटा को जस्ट क्या करेंगे कॉपी, दूसरे सीट पे जाएंगे डेटा सेलेक्ट करेंगे कॉपी, तीसरे सीट पे जाएंगे डेटा सेलेक्ट करेंगे कॉपी, चौथे सीट पे जाएंगे डेटा सेलेक्ट करेंगे कॉपी, चौथे सीट में आएंगे डेटा सेलेक्ट करेंगे कॉपी, या पर्टिकुलर फाइल है तो फाइल पे चले जाओ, कॉपी हो गया सारा डेटा। अब मुझे एक एक पेस्ट करना है तो एक एक पेस्ट यहाँ से कर लिया, फिर पेस्ट और, इसमें दिक्कत ये हुआ कि मैं यहाँ पे काउंट कर सकता हूँ कि मैंने कितना कॉपी किया है, कोई छूट तो नहीं गया है क्या। और दूसरा यहाँ पे कॉपी जैसे करूँगा यहाँ पे काउंट दिख जाएगा मेरा, सात कॉपी करने पे सात काउंट आ रहा था ना, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ तो काउंट आता है ना, ऐसे देखिए वो आठवां कॉपी हो रहा है, आठवां कॉपी होगा, तो एक तरह से हो सकता है आइडेंटिफाई हो सकता है आपको। और दूसरा क्या, आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट तो कर लिया,
ठीक है ना, पेस्ट कर दिया। चलो ठीक है, आपने पेस्ट नॉर्मल एक एक करके पेस्ट ही कर लिया, अब गलती से क्या हुआ, डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड तो हो सकता है, लेकिन कंट्रोल जेड अगर ना हुआ तो, कंट्रोल जेड की तो लिमिटेशन है ना एक, नहीं हुआ तो। हाँ आप क्या हुआ, फिर से पेस्ट मार दो, क्योंकि आपके डेटा में पड़ा हुआ है, तो कॉपी पेस्ट करने वाले के लिए सबसे अच्छा तरीका है बिना माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज किए हुए वो कॉपी पेस्ट स्मार्ट तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो आपको मैंने आज पेस्ट स्पेस के कंसेप्ट पूरे समझा दिए। इसमें एक चीज़ मैंने छोड़ा है, वो छोड़ा है हाइपरलिंक, लेकिन इसकी अहमियत तब सेलेक्ट आएगी जब आप इंसर्ट के हाइपरलिंक को करोगे, तो मैं उस समय बताऊंगा। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे एडवांस फॉर्मेटिंग के ऊपर। अभी आपका डेटा हेलने के बाद जो है ना फॉर्मेटिंग, कॉपी पेस्ट के बाद आपका फॉर्मेटिंग का पार्ट आ रहा है, तो अभी अगली आपकी अगली वीकली क्लास जो है सिर्फ फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग के ही चलेगी। हाँ, उसके बाद स्टार्ट होगा डेटा हेलने, मतलब पिवट वगैरह, पिवट। ठीक है, आप जाइए रिकॉर्डिंग को देखिएगा, अगर आपको कोई डाउट लगे तो मुझे कॉल